तो फील गेम फैमिली अनचार्टेड 3 के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जिसने भी इसका फर्स्ट एपिसोड अगर मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे पहले चेकआउट कर लेना, तब आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। और जिसने यहाँ तक देख लिया है उसको पता होगा कि इस बार नेट और किसी का खजाना नहीं बल्कि फ्रांसिस ड्रेक का खजाना खोज रहे हैं। और ये फ्रांसिस ड्रेक वही है जिनका टाइटल नेथन ने रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है कि नेथन का पूरा नाम है नेथन ड्रेक। तो चलिए देखते हैं कि क्या आज इस खजाने का पता चलता है और खजाने की खोज में नेथन और उनकी टीम निकलते हैं या नहीं। वैसे इस खजाने के पीछे विक्टर सलीवन की पुरानी बॉस और गर्लफ्रेंड केट मार्लव भी पड़ी हुई है, तो उनसे पहले इस खजाने को खोजना है नेथन ड्रेक और उनकी टीम को। तो चलो भाई आज का एपिसोड कंटिन्यू किया जाए। और तब तक आप लोगों का काम है कि वीडियो को लाइक कर लो, नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन साथ ही साथ दबा लो। तो लास्ट एपिसोड में हमने नेट की डायरी में देखा था कि फ्रांसिस ड्रेक के शिप के आगे में वो जो डियर था ना ऊपर में वो बना हुआ है, तो उसके अंदर फ्रांसिस ड्रेक के खजाने का पता है। तो वहां तक पहुंचना है मेरे को, लेकिन कैसे पहुंचा जाए, कहीं से तो चढ़ने का ये रहा, पर यहां से वहां तक पहुंच पाएंगे? जस्ट अपोजिट साइड में आई थिंक कूद के तो पहुंचा जा ही सकता है, यहां तक मुझे लग रहा है। तो खजाने के रास के बहुत ही करीब है नेथन ड्रेक, इस डियर के अंदर वो रास छुपा हुआ है, पता नहीं क्या है इसके अंदर। लटक गया लटकना नहीं, इसको खोल के देखना है। ओ भाई, केट मार्लव ने जाल बिछाया था, मेरे पास 6 ही गोली बची है। नीचे तो उतर जाता नेट, कम से कम एक गया, ज्यादा गोली नहीं, सिर्फ 3 ही बची है मेरे पास। और आदमी लोग आने वाले हैं। इसके अंदर से कुछ निकला, यही तो चाहिए था, यही है वो रास जिससे खजाने का पता चलेगा। और आदमी लोग आ गए, मेरे पास 3 गोली है, 3 आदमी नजर आ रहे हैं मेरे को। मैप से ये पता चल रहा है कि फ्रांसिस ड्रेक अरेबिया गया था, वहां पे शायद खजाना छुपाया होगा। 2 ही गोली बची है, 2 आदमी है, मिस नहीं करना, 1 गोली 1 आदमी। एम में आ जा भाई, 1 ही गोली है, वेस्ट नहीं कर सकता। चलो मरा, 0 गोली, अब गन उठानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, सबको उठा लो, 64 गोली काफी है, कोई अच्छी गन मिलती ना, लेकिन चलो फिलहाल इससे भी काम चला लेंगे। और आ गए ये जो सिंगल शॉट वाली गन है ना, बहुत बेकार है, 6-7 गोली भी सरवाइव कर जाते हैं ये लोग। 1 गोली में तो लेट जाना चाहिए था, दोनों एक साथ लेटे हैं, वाह ये कमाल था। कटर और विक्टर जल्दी आओ, यहां से निकलते हैं, मुझे लग रहा है कि और आदमी लोग आने वाले हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को। आ देख लो सामने भरी भी है, पूरी एक फौज आ गई है। यहां से इतनी आसानी से गेट मार्लव तो निकलने देगी नहीं। गटर भी बोल रहा है यहां से निकलने के लिए, अब आगे पुश करना होगा। एक तो पता नहीं वहां पर से लेजर भी नजर आ रहा है मेरे को, पता नहीं स्नाइपर है क्या वो, उसकी एक गोली में शायद काम तमाम हो सकता है। कोई तो अच्छी गन लेके आओ प्लीज, मशीन गन कोई लेके आओ, सबके पास सिंगल शॉट ही वाली गन है। विक्टर और कटर आगे बढ़ते रहो साथ साथ, इसके हाथ में मशीन गन है, वाह फाइनली कोई तो मशीन गन लेके आया, इसके हाथ से छीनूंगा, खतरनाक स्टाइल नेट ओपी। आगे बढ़ते रहो, आगे और आदमी लोग हैं, क्योंकि टेंशन वाला म्यूजिक अभी भी जारी है। अब देखो भाई मशीन गन कैसी है इस गेम की, अरे कोई तो सामने नजर आओ, सब दूर से मारे जा रहे हैं, इसके छल्ली करने वाला मशीन गन है। जितनी खराब इसमें सिंगल शॉट वाली गोली है ना, उतनी अच्छी मशीन गन है इसके अंदर। उधर से और, अच्छा उधर से, ओके ये ट्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ है, उड़ के फेंकाते इसमें लोग। ये देखो एक आ रहा है, आजा आजा, एक लात मारी भाई नेट ने। कम से कम 40-50 आदमी और आने वाले हैं, भर भर के आए जा रहे सूट में। अब गोली भी खत्म हो रही मेरे पास से, लेजर से मुझे डर लग गया, पता नहीं एक गोली में क्या हाल हो। सबसे अच्छा लेजर कोई वेट करते रहो, इसके रेंज में आना ही नहीं है, कवर टू कवर चलना होगा। लेजर वाले लोग को लगता है ठिकाने लगा दिया, विक्टर और कटर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेजर वाले लोग को ठिकाने लगाते रहो। किधर जाना है, ये तो बंद लग रहा है मेरे को, उधर से गोली चली, ओहो ये देखो फिर सिंगल शॉट गन लेके आया है उसके पीछे वाला, हाँ इसके पास अच्छी गन, चल गन दे दे अपनी,
बहुत बढ़िया, 19 गोली लेके आया था मनुज। भागते रहो यहाँ से, भागो जितनी जल्दी निकल सको उतना अच्छा है। अभी कितनी भी अच्छी गन उठा लू पता है क्या होगा, नेक्स्ट लेवल में ये सब गन नहीं रहेगी मेरे पास। बहुत बढ़िया, इसके पास पास है। ओ हो डेंजरस शॉट गन, अब मैं चलाऊंगा। दे दे यहाँ, कहाँ से मारे गोली आज, यहाँ से छुप के मरा नहीं। शॉट गन में वही बात है कि रेंज ज्यादा नहीं होती है लेकिन गन बहुत खतरनाक होती है। चलो यहां से निकला जाए, लैडर। सली आ जाओ पीछे, बाहर क्लोई इंतजार कर रही है। क्लोई जो कि मेन कैरेक्टर है लॉस्ट लेगेसी की, वो इस गेम के अंदर भी है। वैन में बैठी हुई इंतजार कर रही होगी क्लोई निकलने का, पता नहीं यहां से निकलेंगे। ओके, और आदमी लोग आ गए। शॉटगन की गोली वहां तक नहीं जाने वाली, गलत टाइम पे मैंने शॉटगन ले लिया है, पता नहीं जाएगी। और आगे जाना होगा मुझे, लेजर के सामने जाना होगा। दो दो आदमी लोग के पास लेजर है। अगर स्नाइपर यूज किया ना मनुसो, छोड़ूंगा नहीं मैं। यहां से लगेगी गोली, यहां से भी नहीं लगेगी, और आगे जाना होगा। चार ही गोली मेरे पास बची है, और आगे जाना होगा। और चार आदमी भी नजर आ रहे मेरे को, अब यहां से तो लग ही जाना यार। शॉटगन धोखा दे रही मेरे को। चलो एक गया, जितना सामने से मारो ना शॉटगन में उतना फायदा है। Okay. लेकिन भाई ये दूर के लिए शॉटगन नहीं है, इससे अच्छा मेरी सिंगल शॉटगन निकली। एक सामने वाले आदमी के पास मशीन गन नजर आ रहा है, वही ले लेता हूँ इस बारी। आगे ही जाना है, और आदमी लोग भी आएंगे। तो 200 साल पहले ये जगह ट्रेन स्टेशन हुआ करती थी, अब नहीं है। और इसको अपना अड्डा बनाया हुआ था गेट मार्लव ने। सब एक ही जैसा सूट पहने हुए हैं, क्लासिक विलेन की निशानी। कपड़ा तो कम से कम अलग अलग पहनते है। और आदमी लोग आ गए, पहले ही से तीन थे, सब उधर से आ रहे। रुको उधर से जाता हूं मैं भी, इधर आए इससे पहले, इधर से मारना इनको चालू कर देता हूं। कटर, अरे कटर गोली क्यों नहीं चला रहा है। विक्टर वहां पे धमाके कर रहे, चलो देखें वहां पे कोई बचा है क्या। बचा ही होगा, अब बड़ा कवर लेके बैठे हुए थे ना। छलनी छलनी कर दिया, ये देखो दौड़ते हुए आया। अरे कितने लोग आए जा रहे हैं, वहां पे फैक्ट्री है क्या आदमी की। मर जा, चलो चलो जल्दी चलो यहां से। शॉटगन फिर से उठा लिए, इस बार ही सामने से यूज करूंगा भाई शॉटगन, मुंह में घुस के मारूंगा शॉटगन की गोली। तो क्लोई को कटर ने इन्फॉर्म कर दिया है कि नॉर्थ एटवुड स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और अपने पीछे गुंडे पड़े हुए हैं। तो अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, बस गाड़ी तैयार रखना। चार आदमी यहां पर भी, ये फटेगा क्या। अरे ये मुझे लगा ये फटेगा। 30 किल्स, हाँ नई ट्रॉफी मिली है। कैल 7 से 30 किल किया मैंने, थोड़ा सा दिख। अब शायद एक ही आदमी बचा है, ये रहा। चलो निकलते हैं यहां से, म्यूजिक चालू, यानी कि और आदमी आने वाले हैं। यहीं से निकलना है, पीछे से गोली चल रही है, किसकी इतनी हिम्मत। पीछे से गोली चल, ओके ये दोनों शातिर खिलाड़ी, इनके पास कोई अच्छी गन है क्या। चलो ठीक है, अब ऐसे भी गन छाट के कोई फायदा है नहीं, नेक्स्ट लेवल में मिलेगा नहीं। ताला तोड़ना है, ताला तोड़ना है गोली से, टूटा क्या। यहां से निकला जाए, बाहर निकल गया ऐसा लग तो रहा है। क्लोई ने बचा लिया, लेकिन अभी बचे नहीं पूरी तरह से। गेट मार्लव के पास कितने आदमी हैं, आदमी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। फिलहाल किसी तरह नेट और उनकी टीम निकल गई है बचकर। अब फाइनली खजाने का पता चलेगा कहां पे है खजाना। Cheers. Hmm. To a job, well done. Yeah. Are you going to join us, darling? Yeah. Yeah. Well, the map proves it. Drake didn't screw around in the East Indies for 6 months. He sailed straight through and headed to Arabia. Right. But here's where it gets interesting. You see this mark? This is John D's signature. Who the hell's John D? John D?
One of Queen Elizabeth's closest advisors. Everybody knows that. Yeah. He was a great mathematician and navigator. Hey, way ahead of his time. He's probably the one who invented that. Seriously into the occult. I mean, like a really creepy dark way. See, he signed all his letters to the Queen with this symbol, meaning he was her eyes. The original 007, you see? Look, 007. Not really that relevant. So it was John Dee who sent Drake to Arabia. Yeah, it looks that way. Dee and Elizabeth. And Walsingham. Great, but what for? Well, that's the million-dollar question, isn't it? And this is where T.E. Lawrence comes in. See, before Lawrence became Lawrence of Arabia... Great film. He was an archaeologist. And even when he was just a kid, he was obsessed with history. Everything to do with knights and the Crusades. And he traveled all over, documenting every Crusader site he could find. It's all in here. All right, you've lost me completely, kid. What the hell has this got to do with Drake? I'm getting to that. See, after the war, Lawrence said that if he were ever to go back to Arabia, it would be to search for this place he called the Atlantis of the Sands. Now, the legend crops up over and over again under different names. Ubar, Aram of the Pillars, the City of Brass. But the story is always the same. Well, city of immeasurable wealth, destroyed by God for its arrogance, swallowed forever in the sands of the Rubalkali Desert. Right here. Well, I like the immeasurable wealth part anyway. And you think this is what Elizabeth and Dee sent Drake after? Oh, yeah. And more importantly, it's what Marlowe is after. So, wait, if Drake was on a mission from the Queen to find this place, why all the secrecy? I mean, it looks like he went to a lot of trouble to hide whatever he found, even from Her Majesty. I don't know. Oh, I'm sorry, what was that? No, hang on a second, because if you recall, the last time we went halfway around the world searching for a lost city, things got more than a little dicey. Yeah, but this time we have the upper hand. I mean, look, Drake only had half the clues. Lawrence only had half. We have both. And Marlowe has nothing. Small problem. The Rubalkali Desert, 600 miles across. The Bedouin go around the damn thing. And even if we knew where it was, which we don't, we would die trying to find Just it. Just hold on. You see these symbols here? Yeah. Looks like Sabaean script. Sabaean script. Right. Look, the Crusaders were searching for the same lost city 1,000 years ago. But out of all the sites Lawrence documented, only two are marked with these symbols. One in Syria, the other in France. Oh. No, you two are going to Syria. We're heading to France. Look, we track down these clues. We find Lawrence's lost city. I'm sure of it. Well, and then what? How are we going to get across 600 miles of impassable wasteland? Well, it's in the middle of the desert. So technically, it'd be about 300 miles. Look, I don't know. We'll figure it out. We burn that bridge when we get to it, eh? Exactly. Oh, bhai, bahut hi khatarnak. What do you say? Khazane se puri bhari hui city milne wali hai. What the hell? Let's do it. तो टी लॉरेंस एक लॉस्ट सिटी के बारे में जानते थे जहां पे इतना खजाना है जिसको मेजर तक नहीं किया जा सकता कि उसका मतलब कितना पैसा मिलेगा उस खजाने का। तो इस लॉस्ट सिटी का दो क्लू है, एक फ्रांस में और एक सीरिया में। तो फ्रांस में नेट और विक्टर आए उस क्लू का पता लगाने और सीरिया क्लोय और कटर गए दूसरे क्लू का पता लगाने और दोनों क्लू मिल गया तो वो लॉस्ट सिटी मिल जाएगी। अब यहां से पैदल जाना होगा नेट और विक्टर को। What? Leave it to you to find a friggin' jungle in the middle of France. Well, we're definitely headed in the right direction. Chateau should be this way. Nate ke paas map hai ki clue kahan milega. Not too far. Come on. Yeah. Nate bol raha hai ki zyada dur nahi hai, theek hai? Not too far. With you, I never know if that means a quarter mile or 20. Is that time you got us lost in Peru? Oh, you really want to bring up Peru? You are not still holding that over me. I was 15, Sully. Should have known when I met you that I'd be in prison within a year. You were headed that way all on your own, if you recall. Besides, I got you out, didn't I? Always got you out. Victor और Nate अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं कि Victor से मिलने की just एक साल के बाद Nate और Victor Peru में कोई मिशन कर रहे थे और वहाँ पे भुला गए Nate की वजह से। Come on, through here. और नेट को जेल जाना पड़ गया था लेकिन विक्टर ने बाद में छुड़ा दिया जेल से। Just like in Lawrence's notes. Gotta have more faith in me, Sully. तो टी लॉरेंस के नोट्स में वो महल बना हुआ था यानी कि उसी के अंदर जाना है वही क्लू मिलेगा। Of course, I don't remember this ravine being on the map. They must have just put that in. लेकिन टी लॉरेंस के मैप में ये सब जगह नहीं बनी हुई थी। Find another way around. तो वही विक्टर मजाक उड़ा के बोल रहे कि लगता है आज ही डाला है ये सब जगह को।
Is that a pan flute? तो फ्रांसिस ड्रेक को इस लॉस्ट सिटी के पीछे भेजा था क्वीन एलिजाबेथ और जॉन डी ने, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के खास एडवाइजर थे। तो फ्रांसिस ड्रेक भी इस खजाने का पता नहीं लगा पाए और लास्ट एपिसोड में अपने को पता चला था कि टी लॉरेंस को एक्सीडेंट का रूप देके मरवाया गया था ताकि उनका नोट्स मिल सके और उससे वो लॉस्ट सिटी का पता लगे। इसी महल के अंदर जाना है। I don't know, kid. You sure we're in the right place? This doesn't seem old enough to be a Crusader castle. It's more like Renaissance to me. You haven't been reading my books again, have you, Sully? Now, Lawrence says the original castle was built in the 11th century. The rest was added on later. तो विक्टर को डाउट हो रहा है इस कैसल को लेकर कि मतलब ये उतना पुराना नहीं लग रहा है। तो नेट ने बताया कि टी लॉरेंस ने बताया कि 11th सेंचुरी में कैसल बनाया गया था, लेकिन बाकी चीजें बाद में ऐड की गई, इसलिए ये कैसल उतना पुराना नहीं लग रहा है। अच्छा, ये जो लॉस्ट सिटी है, ये ना फ्रांस में ना सीरिया में, ये जो द रूबल डेजर्ट का नाम आपने सुना भी थोड़ी देर पहले, तो रेत के नीचे पूरी दफन है ये लॉस्ट सिटी, और इसीलिए ये लोग क्लू ढूंढ रहे हैं। This looks sketchy. ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये टूटेगा ये पेड़? खैर कि नहीं टूटा। ओ भाई गाड़ी। Look, Sully, your first car. Oh, man. That's a 1927 Auburn. गाड़ी को देख के लग रहा है कि यहाँ पहले भी लोग आए हैं। और गाड़ी यहाँ पे है तो लोग कहाँ गए? Yeah? What's this, Mr. Wizard? Lawn art. Pretty tacky. चलो महल के करीब पहुँच गए हैं। The knight who owned this castle, Lord Godfrey, returned from the Crusades in the 12th century. According to Lawrence, all that's left of the original castle is the square keep and the gardens. If Godfrey brought any secrets back from Arabia, that's where we're going to find him. तो गॉडफ्री नाम के नाइट का ये कैसल है और अगर वो अरेबिया से कोई सीक्रेट लेके आया लॉस्ट सिटी के बारे में। Try this door. It's no good. Not getting in this way. तो इस कैसल में सिर्फ एक ही जगह है जो कि सही सलामत है, वहीं पे सीक्रेट रखा होगा। डोर ये लोग ट्राई भी क्यों करते हैं? ऑब्वियसली उछल कूद के ही जाना होगा मुझे। और ऐसे भी अगर पुराने महल में डोर खोल के नेट आसानी से चला जाएगा तो फिर गेम में बचेगा क्या करने के लिए? यही सब तो पूरा गेम है। खिड़की पे नजर रख रहा हूं मैं, शायद कोई खिड़की खुली हो। ओ भाई, यहां पे लगा था मैं मरा। कैसे तो पाइप पकड़ लिया नेट ने। विक्टर बोल रहे थे कि ऊपर वाली खिड़की को पकड़ लो, लेकिन नेट ने बोला कि हाथ कट जाएगा क्योंकि खिड़की टूटी हुई है, ग्लास लग सकता है हाथ में। इधर ही से जाना है, जब इतना अच्छा रास्ता बना के दिया ही है तो फिर क्या दिक्कत है। right, nice going, kid. Be right back. दरवाजा खोलना है विक्टर के लिए। विक्टर तो यहां से चढ़ेंगे नहीं, अब मेरे को देखना होगा। लो भाई, कांड होना स्टार्ट हो गया है, महल के अंदर आ चुके हैं। वेलकम नेट। दर्द हुआ बहुत जोर से। Make sure that's the only thing you shoot off. I said lock. खिड़की के ताले को उड़ाना है जो कि सोने का बना हुआ है। विक्टर अंदर आ जाओ। महल के स्क्वायर गार्डन में एक क्लू। तो और अंदर जाना होगा अपने को। You good? Okay. We're gonna make our way through the chateau to the gardens. That's where we'll find the old keep. ये दरवाजा भी बंद है। ये पिलर गिरा हुआ है दरवाजे के पास। Oh man, look at this place. इसको हटाना होगा दरवाजा खुलने के लिए। दोनों मिलके पुश करेंगे तो हो जाएगा काम। ये देखो, विक्टर अकेले पुश कर रहे हैं। No. Can't get it open. This damn beam's in the way. Yeah, we gotta get some leverage. Think you can get up there? Can try. ऊपर जाना होगा इसको हटाने के लिए। ये नीचे से पुश करेंगे, मैं ऊपर से जाके पुश करूंगा, ठीक है? लेकिन ऊपर कैसे जाया जाए? झूमर दिख रहा है मुझे, कुछ चढ़ने का मैं खोज रहा हूं। ये क्या है? अच्छा, इसको उठा के लगते ऊपर चढ़ने का बनेगा। Wait, this will work. विक्टर थोड़ी मदद करना। हाँ, इसको उठा के जाना है ऊपर। बहुत बढ़िया, ऊपर जाके मुझे उस बीम तक पहुंचना है ताकि उसको मैं हटा सकूं। काम बन जाएगा, ठीक है? रास्ता तो बना ही हुआ है। Be careful up there. Oh, damn thing's rotten. विक्टर का कहना सही है कि सब कुछ सड़ गया संभल के। Those chandeliers are on some kind of pulley system. Yeah, must be how they lowered them down to clean them. उस साइड पहुंचने के लिए मुझे एक और झूमर को उठाना होगा और दूसरे वाले झूमर को उठाने का मैकेनिज्म उस साइड में है, उस स्विच को जाकर पुल करना है। तो ये झूमर के लिए बनाया होगा नीचे करके साफ करने के लिए, ऐसा विक्टर ने बताया। I have an idea. सरप्राइजिंग बात ये है कि इतने सालों के बाद भी ये काम कर रहा है। Oh, that's cool. Yeah. अच्छा, सब कुछ सोने का बना हुआ है, ये नोटिस कर रहे हो? विक्टर बोल रहे कि पूरे पागल हो तुम नेट। ये देखो झूमर पूरा मतलब सीलिंग से बाहर आ रहा है जिसपे तुम झूल झूल के जा रहे हो। ऐसे ये टूटे उससे पहले मैं यहाँ चले जाता हूँ।
चलो ठीक है, अब दरवाजा खुल सकता है। विक्टर नीचे से पुश करो। All right, here we go. विक्टर बोल रहे अंदर तो आ गया हूं, लेकिन अंदर कहां आया हूं यही सवाल है। Is that a popcorn machine? पॉपकॉर्न मशीन जैसा लग रहा है, लेकिन वो होगा नहीं नेट। चलो आगे बढ़ा जाए। Okay, let's see if we can find a way to that tower. अगर इतनी आसानी से क्लू मिल जाता है तो कोई भी आता यहाँ पे तो उसको क्लू मिल ही जाता। कुछ बहुत ही खतरनाक पजल्स आने वाले हैं जिसकी वजह से कोई क्लू नहीं ढूंढ पाया। अच्छा, अनचार्टेड 4 में एक छोटा सा खजाना मिला था अपने को, लेकिन इसमें तो पूरी एक लॉस्ट सिटी मिलने वाली है जो खजाने से भरी होगी। हर जगह खजाना होगा, पूरे शहर में खजाना भरा होगा। लेकिन लॉस्ट सिटी खोजने के लिए दो क्लूज चाहिए पहले। अभी एक क्लू तो मिल जाए। और याद रखना कि केट मार्लव भी इस खजाने के पीछे है, इतनी आसानी से वो पीछे छोड़ेगी नहीं। Hey, Nate. Square tower. Looks pretty old. Yeah. That matches the one in Lawrence's notebook. That must be it. Nice. Thanks. तो टी लॉरेंस के नोटबुक में उस टावर के बारे में लिखा हुआ था, वहीं तक जाना है, वहीं पे क्लू होगा। लेकिन वहां जाए कैसे जाए? अच्छा, खिड़की दिख गई मुझे, वहीं से जाना है। म्यूजिक इतना खतरनाक क्यों होने लगा अचानक से? क्लू के करीब पहुंच रहे हैं इसलिए। टावर के अंदर कैसे घुसना है? टावर के ये बाहर वाला पोर्शन है। आ जाओ विक्टर। Looks like we can get through here. Yeah? Yep. Come on. Got it. Watch it. अब बाहर नहीं जा सकते यहां से। Thanks. वन वे टिकट है, अब यहीं से अंदर जाके यहीं से निकलना होगा। बस क्लू मिल जाए ना, उसके बाद फिर निकल ही जाएंगे किसी तरह। अब यहां से कहां जाना है? विक्टर थोड़ी हेल्प। Hey Nate. Isn't this the same symbol that was on the tower? Yeah. That's got to mean something, right? Maybe a secret passage? In a fireplace? Kind of on the nose, don't you think? Yeah, too simple. ये वही सिंबल है जो सामने वाले टावर पे बना हुआ था, यानी कि यहाँ से कोई खुफिया रास्ता होना चाहिए। ये मूर्ति का कुछ, ओ, इसमें कुछ करना है, लेकिन क्या करना है? ऐसी ऐसी और भी तीन मूर्ति है। Hey, check out these suits of armor. इससे सीक्रेट रास्ता रिवील होगा। Wait, Lawrence made a note about something like this. टी लॉरेंस ने इसके बारे में भी नोट्स बनाया है, तो लिखा ही होगा कुछ। Yeah. Here, see? Four knights with an axe, a shield, a sword and a morning star. Just like the ones in this room. अच्छा, मैं समझ गया क्या करना है। शील्ड वाले को एक्स की तरफ करना है, एक्स वाले को शील्ड की तरफ। लग तो रहा है कि यही करना है। नोट्स देख के तो यही समझ में आया। Maybe we got to turn each knight so it's facing the right way. Yeah, but what's the right way? Right way तो समझ में आ गया, शील्ड वाले को एक्स की तरफ करना है और एक्स वाले को शील्ड की तरफ। यही है ना? मतलब नोट्स एक बार और चेक कर लेना चाहिए। हाँ, एक्स वाला शील्ड की तरफ फेस करेगा। बाकी दोनों ना पहले से सही हैं। ओ भाई, मिल गया रास्ता। सली ने पहले ही बोला था कि शायद इस सिंबल के नीचे रास्ता हो। ओके, आई विल पुश, यू पुल। ऑन थ्री, रेडी? वेट, 1 2 पुल और 1 2 3 पुल? जस्ट पुल। नेट धक्का देगा इस डोर को और सली खींचेंगे। ये टूटा। अरे हर जगह टूट क्यों जा रहा है? ये जानबूझ के बनाया था क्या? नेट को ऐसे ऊपर से नीचे गिरने की आदत है, तो बर्दाश्त कर लेगा। There's no way I'm getting back up there. I'm gonna head this way. Just meet me on the other side. You got it. You be careful down there. Right. तो विक्टर उस साइड में मिलेंगे, अब यहां से निकलना होगा मेरे को। There is another side. The hell is that noise? ये किट-किट किट-किट कुछ आवाज हो रहा था, पता है? पता नहीं क्या था। I should be able to get through here. यहां से निकल पाएगा? बहुत ही तंग रास्ता है। ओ भाई, घुटन हो रही है मुझे देखकर। कुछ तो आवाज कर रहा है, किट-किट किट-किट। ये, ओ भाई, ये मकड़ी की क्या है? इतनी बड़ी मकड़ियां। नेट ने इस बारे में कुछ बोला भी नहीं, मतलब पहले भी देखा है नेट ने ऐसी ऐसी मकड़ियां। नीचे डाइव करके जाना है मुझे। भाई साहब, कुछ ज्यादा बड़ी मकड़ियां नहीं थी, नॉर्मल साइज की तो नहीं थी। दूर दूर तक यही किटकिटा रही थी, आई थिंक। दिल की धड़कन सुनाई दे रही। पानी के अंदर बहुत देर तक था ना नेट,
तो इसमें ब्लड तो दिखाता नहीं है कि प्लेयर का ब्लड कितना है, तो यही एक वार्निंग स्टाइल है कि मरने वाले हो पानी से निकल जाओ। और भी मकड़ियां आ सकती हैं। अच्छा यही होगा कि यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो और निकलो। चलो लाइट दिख रहा है, यानी कि उधर ही से जाना है। अच्छा अभी तक कोई क्लू नहीं मिला, अभी क्लू तक तो पहुंच ही रहे हैं, वहां पे पता नहीं कैसा खतरा होगा। अभी क्लू तक पहुंचने में इतनी हालत खराब हो गई है, लेकिन आज के एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा कि क्लू मिल ही जाए। बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, नेट खुश हुआ। अब ये टूटने वाला है, नेट के साथ ये तोड़फोड़ घूमते रहती है। ये अनचार्टेड 4 में भी अपन देख चुके हैं भाई। आदमी लोग, केट मार्लव के आदमी लोग हैं। They're here somewhere. Hunt them down. केट मार्लव का राइट हैंड मैन टैलबर्ट भी आया हुआ है, वही सारी फौज को लेके आया है। इस मिशन को साइलेंटली करने का ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है, धूमधड़ाका करना ही होगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। Here we go. आ जाओ भाई। इसका साथी कहां भागा? अपने साथी को छोड़ के भागता है, चल मर जा। कितने आदमी लोग हैं भाई यहाँ पे। ये टैलबर्ट ने पूरी फौज मेरे ऊपर छोड़ दी है, पता नहीं विक्टर सली कहाँ पे है। टैलबर्ट से पहले मुझे विक्टर के पास पहुंचना होगा, पहले तो इन सबको मारना होगा। पता नहीं कितने आदमी, 2-3 तो अभी सामने ही नजर आ रहे हैं। मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है क्या? एक तो सामने आके चुपचाप से बैठ जाते, पता ही नहीं चलता है। ये देखो इस साइड आना चालू कर दिया है, मेरे कवर में नहीं आने का। शॉटगन की सामने से एक भी गोली पड़ गई ना, हेल्थ तुरंत खत्म हो जाएगी और मर सकता हूं तुरंत। इसलिए शॉटगन की तो गोली खानी ही नहीं है। देखो बेचारे को सब मशीन गन लेके आए, इसके पास हैंड गन है। सामने और आदमी लोग दौड़ रहे हैं, ऐसे मैंने देख लिया है। छुप के बैठे हैं, क्या चालू आदमी लोग हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे। मैं भी कवर में, वो सब भी कवर में छुप के बैठ गए। अब मुझे ही जाना होगा, लग रहा नहीं कि वो लोग इधर आएंगे। ये देखो दूर से छुप के कवर से मार रहा है। अब नजर, अरे ये कौन आया भाई, तू इधर कब आ गया? पूरा चक्कर लगा के इधर आया है, ये पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। गलत टाइम पे गोली खत्म होगी, मैगजीन अभी चेंज करना था। तू नजर आ, खोपड़ी तोड़ता हूं तेरी। दो आदमी और है आगे, तू तो मरा। फुल जैकेट पहन के आया था यार ये। Jesus, they brought a small arm. अरे ऊपर से अब कौन गोली चलाने लगा? दो दो आदमी खिड़की के पास है, आई थिंक ऊपर ही जाना है मेरे को। ओ भाई मैं भूल गया था गाड़ी उड़ती है। और मैंने गाड़ी में कवर ले लिया था, पर चलो कोई बात नहीं, जान बच गई है, ऊपर ही जाना अपने को। विक्टर कहां है? विक्टर को पकड़ लिया क्या टैलबर्ट और केट मार्लव के आदमी लोग ने? और तो कोई बचा नहीं इधर, ऊपर ही जाना होगा मुझे। विक्टर मैं आ रहा हूं, टेंशन मत लो, क्लू अपन ही पहले ढूंढेंगे। ये देखो एक और आया, शॉटगन लेके आया था। थैंक्स फॉर द गिफ्ट बॉय। क्या है इसके अंदर? ओ ग्रेनेड्स, फाइनली। मैं सोचे ही जा रहा था L2 और L1 से। इसके ग्रेनेड्स बहुत ही खतरनाक है। नेट ने इनको थैंक यू भी बोला है गिफ्ट के लिए, यानी कि इन नट्स के लिए थैंक यू बोला है। यहां पे गन भी पूरी रखी हुई थी, बहुत अच्छा। मेरे पास दो दो ग्रेनेड्स है, कोई तो आओ। ये देखो मिल गया मुझे। लो भाई आ रहा है ग्रेनेड, आ रहा है तुम लोग की तरफ। वहीं पर छुपने की क्या जरूरत है, दूर तो भाग जा। See that coming. जाने का रास्ता भी खुल गया है, यहीं से जाना है ना? हाँ ठीक है। और आदमी लोग आ रहे, म्यूजिक चालू है। विक्टर दिख गया मुझे, विक्टर पे भी गोलियां चल रही है, विक्टर को बचाना होगा। ब्लाइंड फायर ग्रेनेड, यानी बिना देखे फेंकना है तो। अच्छा कोई मरा क्या? मरा नहीं था, लेकिन ठीक है चलो। विक्टर टेंशन मत लो, मैं बचा लूंगा। अच्छा जगह मिल गया मुझे मारने के लिए। पूरी आर्मी लेके आई है केट मार्लव, पूरा एक बस आया है। ओ भाई
विक्टर ने बताया अभी, ये अब ऊपर भी आने लगे, मुझे यहाँ से कवर छोड़ना होगा। उछाल के फेंका है नेट ने, इतना एक्शन नेट अनचार्टेड 4 में नहीं करता है। गोलियां भी खत्म हो रही है, आई थिंक अब मुझे नीचे जाना चाहिए। विक्टर संभाल लोगी क्या? ये देखो ये लोग ऊपर आते रहेंगे। और आदमी लोग नजर नहीं आ रहे, मैं नीचे जाऊंगा लगता है तभी आएंगे, मेरा वेट कर रहे नीचे आने का ना। हाँ भाई अब कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है, मुझे नीचे जाना ही होगा। विक्टर चलो साथ में मिलके बूम बाम करते हैं। चार चार ग्रेनेड्स हो गए मेरे पास, अब अंधाधुन ग्रेनेड फेंका जाए। ओ भाई अपने तरफ ही फेंक लिया, बहुत बड़ी गलती। पक्का फॉलो किया होगा तभी केट मार्लव ने ढूंढ लिया अपने को। ऊपर से कौन गोली चला रहा है, इसके पास कौन सी गन है भाई? बहुत ज्यादा ही जल्दी में गोली चला रहा था। आदमी लोग आए जा रहे हैं, आदमी लोग आना कम नहीं हो रहे हैं। ये कौन है भाई, निकलना। ग्रेनेड फेंक रहा, आ रहा हूं मैं तेरे पास ही आ रहा हूं। ये जो स्टाइल है ना, मतलब घुसा मार के गन कैच करने वाला एक नंबर है। इसको एकदम सामने से मारूंगा शॉटगन की गोली, ठिकाना ही था उड़ के। शॉटगन का यही मजा है, एक गोली कहीं भी मारो। ओके फिर तू आया जैकेट पहने हुए, कम से कम कपड़ा तो चेंज करो यार तुम लोग। नेट ने भी फर्स्ट एपिसोड के बाद अपना क्लासिक कपड़ा पहन लिया, तुम लोग भी चेंज करो। विक्टर पीछे देखो ना, विक्टर पता नहीं आगे क्यों देख रहे हैं। विक्टर मेरे साइड मत देखो, पीछे देखो विक्टर। हाँ ये मर क्यों नहीं रहा है, इसको शॉटगन से मारा, मरा क्या? वो पहले ही मर गया था। म्यूजिक खत्म नहीं हुई है, यानी कि कोई बचा हुआ है, पर कौन बचा हुआ है अब उसी को खोजना है। ये तो रहा, यहां छुपा हुआ है, चल मर जा, आगे बहुत काम करना है भाई। अभी भी म्यूजिक बंद नहीं हुआ है, तू आखिरी आदमी है ना, अब इसके बाद कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है। म्यूजिक बंद, टावर के अंदर जाना है, ठीक है। यानी कि अब आदमी नहीं आएंगे, फिलहाल आदमी नहीं आएंगे। ये डोर नहीं खुल रहा है, टावर ऊपर है ना, तो ऊपर से जाने का कोई रास्ता होना चाहिए। विक्टर आ जाओ। केट मार्लव से ज्यादा बड़ा विलेन मेरे को टैलबर्ट ही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि केट को धोखा दे देगा टैलबर्ट और मेन विलेन बन जाएगा गेम का। अब दिस वे, किसी किसी को देख के ऐसी फीलिंग आती है कि ये धोखेबाज है, तो टैलबर्ट को देख के वैसा ही लग रहा है। Come on, Sully, give me some help with this door. इसी डोर से होके जाना है, मैं अकेले नहीं खोल सकता। सली सली के आने का वेट करना होगा, सली कहां रह गए? आ जाओ। यहीं पे क्लू मिलेगा। Well, which way now? Not really sure. Why don't we try going down? ठीक है, नीचे चल के देखते हैं। ऐसे ही नीचे जाना है। अच्छा सीढ़ी थी बगल में, मैंने देखा नहीं। ये क्या है, ये कौन मरा हुआ है? Hey, look at this. What the hell? ये तो टैलबर्ट का आदमी लग रहा है, इसको क्या हुआ है? It's one of Talbot's men. Was. ये हरा क्यों हो गया है? That's impossible. They just got here. Yeah, but what could have happened to him? I have no idea, but I sure as hell don't like it. इसको जो भी हुआ है वो अपने साथ भी हो सकता है, कुछ तो यहाँ बहुत बड़ा खतरा है, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ तो है जिससे ये आदमी हरा हो गया था। अब ये क्या है भाई, किसी तरह का पजल है। Hey, look at the tiles. Sabian script. Yeah. Doesn't say anything though. It's just nonsense. Anything about it in your notes? Yeah, I think so. नोट्स में इसके बारे में कुछ लिखा होगा? अच्छा, ये एक तरह से क्लू है। Seems to be an order to the symbols. The pattern you have to follow. इस पैटर्न के हिसाब से टाइल्स में आई थिंक चलना है, उससे कुछ होना चाहिए। ठीक है चलो मैं समझ गया क्या करना है, इसे स्टार्ट करते हैं इन चारों पे, उसके बाद क्रॉस पे, तीन क्रॉस, उसके बाद इस ब्लू वाले पे जो कि चार है। इसके बाद क्या करना था भूल गया मैं, दो क्रॉस, आई थिंक दो क्रॉस था।
हाँ दो क्रॉस है, उसके बाद तीन यू वाला निशान, ठीक है, सामने के दो क्रॉस में जाना है, उसके बाद तीन यू, उसके बाद बीच में, आई थिंक यही है। ये आज का तीसरा पजल है पता है, अभी और पता नहीं कितने सारे पजल्स आएंगे, लेकिन ये तो आसान वाला था। It's pitch dark in here. Wanna give us some light? Sure. कुछ ज्यादा ही अंधेरा है यहाँ पे, सली थोड़ी रोशनी करना। Ooh. Looks like some sort of laboratory, doesn't it? Yeah, this stuff's gotta be at least 400 years old. Hey, little more light, Sully. लगभग 400 साल पुराना लैब है ये, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्लू मिलना चाहिए, जो कि अपना फर्स्ट क्लू होगा लॉस्ट सिटी को ढूंढने के लिए। Seems to be an alchemist lab. Wait a second. Does this place remind you of anything? Yeah, Marlowe's creepy hideout, now that you mention it. Sully. Sully, this is John Dee's lab. All the way out here? In France? Well, he must have traced the clues back to the Crusades, just like Lawrence did. John Dee ne apna yahan par lab bana liya tha. Hey, look at this. To Lawrence ke notes ki wajah se John Dee bhi yahan aa gaye the, lekin clue unko bhi nahi mila. Sabian script again. But what are these symbols? Looks like he was trying to work something out. There's some sort of message written here in Anakian script. John Dee yahan pe kisi tarah ka message likh rahe the, lekin kya likh rahe the? Think you can decipher it? I'll try. अच्छा वो गोल्डन डिस्क यूज करना है जो कि मार्लव के यहाँ से उठा के लाया नेट। The altar guards the entrance to the underworld. Well, he did use magic to conjure spirits. Yeah, or the altar could be hiding a secret passage. Oh, right. Help me push. इसके नीचे कोई secret passage है। ये जो table type का है ना, यहाँ कोई रास्ता होना चाहिए। Underground रास्ता। ये देखो। Look at that. Crafty old bastard. Why, thank you. Victor Saline के पास काफी दिमाग है भाई। आखिर नेट को भी तो train किया है Victor Saline है। अब यहां पे क्लू होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। अब ये फाइनल डेस्टिनेशन है अपनी। काफी अंधेरा है। Here we go. Sully, give me a light. Yeah. Ah, much better. You know, one of these days you're really going to have to start carrying your own matches. What are you talking about? विक्टर बोल रहे हैं कि माचिस रखनी चाहिए तुम्हें भी, लेकिन नेट सिगरेट नहीं पीता है इसलिए माचिस भी नहीं रखता, ना ही लाइटर रखता अपने पास। Wow. Looks like they really wanted to keep something out. We're in. Yeah, give me a hand with this. अंडरग्राउंड रास्ते में भी एक डोर है जिसको लॉक करके रखा हुआ था, यानी कि जॉन डी यहाँ पे कोई बहुत बड़ा राज छुपा के रखना चाहते थे। अंदर फिर किसी तरह का पजल है पता है, मुझे बहुत सारे सिंबल्स नजर आए। Godfrey must be down here then, huh? With any luck. If he knew anything about the Atlantis of the Sands, he took it with him to the grave. So let's find the grave. Exactly. Godfrey ki kabr yahin pe hogi, usko dhoondna hai. It looks like he was trying to solve this, but he never quite finished. John Dee isko solve karna cha rahe the, lekin unko pata nahi chala. Isliye wo kabr tak nahi pahunch paaye aur unko clue nahi mila hai. Lekin main samajh gaya hu kya karna hai. Ye jo cheel wala nishan hai, usko kahan rakhna hai wo maine dekh liya hai. दो निशान के बारे में है लेकिन बाकी दो के बारे में नहीं है। Medieval game show? Pretty elaborate. Yeah. Anything? He doesn't seem to be in any of these crypts. No. Now they would have hidden his tomb. Keep looking around. चील के निशान को सॉल्व कर दिया था जॉन डी ने और एक शायद उछलता हुआ घोड़ा का भी कुछ रखा था, उसको देखने दो। चील के जस्ट दो ऊपर साइड में, लेफ्ट साइड, उछलता हुआ घोड़ा का निशान है। दो को तो सॉल्व कर दिया है लेकिन दो और निशान है, एक चलता हुआ घोड़ा और एक शेर का निशान है, उसको कहां रखना होगा। फिलहाल घोड़े को सेट कर देते, देखते उससे शायद कुछ पता चले। चील की जस्ट दो ऊपर लेफ्ट में, ठीक है, ये दोनों तो सेट हो गया है लेकिन बाकी दो को कहां सेट करना है। इस रूम में कुछ होना चाहिए। शेर का निशान दिख गया है और यहां पर कुछ बना हुआ है नीचे, ये क्या है? ये जो यू के जस्ट, अच्छा शेर का निशान समझ में आ गया, क्या करना है। ये भी कोई मार्क बना, अच्छा भाई ठीक है, इस मार्क के ऊपर ये चौथा वाला निशान तो बना हुआ नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद वो चलता हुआ घोड़ा है। अब पता नहीं, आप सेट करके देखते हैं तो शायद कुछ पता चले। जॉन डीज को सॉल्व नहीं कर पाए थे
इसलिए उनको क्लू नहीं मिला और वो लॉस्ट सिटी को नहीं ढूंढ पाए। ये शेर को यू के निशान के ऊपर रखना है, ठीक है। अब लास्ट वाला, उसको करने से कुछ नहीं ना हुआ तो कुछ और करना होगा फिर। ये इसके नीचे रखना है, हो गया। सीक्रेट रास्ता रिवील, बहुत बढ़िया। तो गॉड फ्री की कब्र यही होनी चाहिए और जो भी उन्होंने राज अरेबिया में डिस्कवर किया था, यानी कि वो एक क्लू, इसके अंदर होगा। एक गेम प्ले में चार चार पजल सॉल्व करवा दिए, और क्या चाहिए। This is it. Here, hold this, will you? Sure. इसके अंदर से उछल के मत निकल जाना। टैलबर्ट का आदमी याद है ना कैसे मरा था, उसका राज अभी तक पता नहीं चला है। It's some sort of amulet. Something written here. ये गॉडफ्री का कंकाल है, इस पे कुछ लिखा हुआ है। Gonna do this right on top of Lancelot, huh? नेट यहीं पे डिकोड कर रहा है कि क्या लिखा हुआ है। It's in Sabine script. Well, that'd be from ancient Yemen, all right? Yeah, exactly where Francis Drake would have landed back in the 16th century. Could be the name of a city? Yeah, from 3,000 years ago. Without the rest of that inscription, we still don't know where to look. Well, let's hope the other half is in Syria. Yeah, and the Cutter and Chloe can find it. इस amulet का एक और half Cutter और Chloe को मिल गया, तब अपने को पता चलेगा कि lost city कहाँ है। तो वो दोनों भी इसका half ढूंढने गए हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। ओ भाई, गलत टाइम पे आया। I wouldn't recommend that. Shit. अब ये एमुलेट छीन लेगा। Nice work, gentlemen. Harris, please relieve Mr. Drake of the artifact. सारी मेहनत नेट और विक्टर ने की। Yeah, Harris. Come get it. Now it's hardly worth dying over, is it? Your friend doesn't think so. Come on, Nate. Amulet नहीं दिया तो जान से मार देगा। ऐसे भी छोड़ेगा थोड़ी देने के बाद भी। तो first clue Talbot ले गया। सारी मेहनत बेकार हो गई। अब यहाँ से निकलेंगे कैसे? What is that? Kit, kit. Oh, भाई! Stay in the line. Get it. ये मकड़ियों ने मारा था उसको, टैलबर्ट के आदमी को। अपने आदमी को मरने दिया, एमुलेट ले गया। लेकिन लाइट बुझेगी, ये मकड़ियां अटैक कर देंगी। बहुत ही बदमाश है टैलबर्ट। लाइट बुझने से पहले रास्ता ढूंढना होगा और लाइट में रहना होगा। We gotta find a way out of here. रास्ता नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा मैं। ऊपर कोई रास्ता है? Up there. यहां से निकला जाए। ये प्लेग टेल इनोसेंस बन गया भाई। जिसने वो गेम प्ले देखा है वो समझ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। लाइट में रहना है अगर मकड़ियों से बचना है तो। अब लाइट भी फेंक दिया है विक्टर। हाथों जल्दी से चेज होने वाला है, मकड़ियों से चेज होने वाला है भाई। इन पे तो गोलियां भी नहीं चला सकता। तो वो जो टैलबर्ट का आदमी हरा हुआ पड़ा हुआ था ना, तो इन्हीं के पॉइजन के वजह से हुआ होगा। अरे भाई जल्दी यहां से निकलो। चलो ठीक है, बच गए। मरने ही वाला था मैं। सीलिंग से आ रहे हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा तेज है। किधर? ओ गयो भाई, यही तो, ये जो गलती हुई है ना, अब भारी पड़ेगी मुझे। चूहों ने दौड़ाया था प्लेग टेल इनोसेंस में, अब ये मकड़ियां दौड़ा रही है अनचार्टेड 3 में। बहुत बढ़िया। विक्टर कहां? ओ विक्टर पहले ही बाहर है। कूद के निकलो यहां से, लाइट में रहना। Yeah, about me. Turn around. Are you good? You okay? Yeah, I think so. All right, let's not go back in there. I think that's a good idea. अंदर नहीं जाने का है, ठीक है? बहुत अच्छा आइडिया है। We're not going that way. Whichever way we go, just promise me there's no more goddamn spiders. किधर से भी जाएं, लेकिन spiders नहीं होने चाहिए, मकड़ियाँ नहीं होनी चाहिए भाई।
Okay. We gotta find a way out of here. पता नहीं मुझे लग रहा है कि और यहाँ से निकलने से पहले मकड़ियाँ आएंगी। आदमी लोग से मुझे इतना टेंशन नहीं था जो बंदूक के साथ आ रहे हैं। ये मकड़ियाँ ऑलमोस्ट मार ही दिया था मुझे। Damn it, it's no good. All right. I'll see if I can find a way across. उस साइड जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा उछल कूद करके। ठीक है, इधर से जा सकता हूं मैं। Watch yourself. I got it. झूमर पे जाना है, उधर जाके विक्टर के लिए रास्ता बनाना होगा। Got me. Things gonna go. बस टूटने ही वाला था ये, टूट ही गया। आई थिंक टूट के नीचे गिरा है। अब इससे पहले ये पूरा प्लेटफॉर्म गिरे, चढ़ जाओ जल्दी से। मेरे चढ़ने से पहले ही गिर गया। अब नीचे उतरने का रास्ता ढूंढना होगा। ठीक है, क्लू तो टैलबर्ट ले गया भाई। अब जान बचा के यहां से निकल जाए वही काफी है। Every last drop. अब ये क्या कर रहा है? The hell are they doing? Burn the whole place down. Oh no. Sully, we gotta get out of here. सब कुछ जला रहे हैं यहाँ पे, रुको बताता हूँ इनको। बहुत बढ़िया, टैलबर्ट पूरे कैसल को आग लगा रहा है ताकि गलती से अगर नेट और सली बच गए होंगे ना तो इस आग में मर जाएं। चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं इससे पहले वो लोग आग लगाएं। ये नीचे आग लगाने जा रहा है, इसको रोकना होगा। मेरे रोकने से पहले भाई थोड़ा देर बस रुक जा, मैं आ ही रहा हूँ। अरे आग लगा दी इसने, और आदमी लोग भी आ गए। वाह सलीम, मारो उन सबको। ठीक है, अब पता नहीं पूरी पूरी जगह आग लगने वाली है, बहुत खतरनाक होने वाला है यहाँ पे अब। सली, अरे ये कौन आया? मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? लॉयल आदमी लोग हैं, पूरी जगह आग लग रही है लेकिन बॉस के कहने पे मरने के लिए भी तैयार है। लॉयल्टी तो देखो, मरने के लिए तैयार है तो मरी जा भाई। ग्रेनेड आया यहाँ पे, ग्रेनेड आया है, बोल रहा था मैं, सुना ही नहीं इसने। सली के लिए रास्ता बनाना होगा। सली आ जाओ, ये पूरी जगह आग लग के गिरने वाली है। सली थोड़ा जल्दी करो, बहुत ही खतरनाक म्यूजिक चल रहा है। ऊपर जाना है क्या? ओ ऊपर से गोलियां चल रही है, यानी कि ऊपर ही से जाना है। पहले इन दोनों को मारना होगा। सली थोड़ा जल्दी आओ, ऊपर से जा सकते। सली चलो जल्दी आगे चलो। ठीक है, सली बूस्ट देने वाले हैं। सली ऊपर चढ़ाओ मेरे को। लो भाई यहां से भी आग लग गई, क्या किया जाए अब? नीचे भी कोई रास्ता नहीं है, फंस चुके हैं अपन। कोई ना कोई रास्ता होगा लेकिन कहां है? रास्ता दिख रहा नहीं है, जल्दी खोजो। उधर से किसी ने गोली चलाई है। ओ भाई थैंक यू रास्ता बनाने के लिए, बहुत ही बढ़िया। ये नहीं होता तो क्या होता अपना, पक्का मर जाते हम लोग। आ जाओ विक्टर, अब इससे पहले पूरा रास्ता गिर जाए। विक्टर थोड़ा जल्दी आ जाओ, बोलते बोलते गिर गया। वाह ठीक है, विक्टर वहां से आएंगे लेकिन मैं, अच्छा मैं यहां से जा सकता हूं। आग के जस्ट ऊपर एक खतरनाक सीन है भाई ये, और ये भी टूटने वाला है, क्या करूं? अच्छा ऊपर पकड़ना है, गिर गया वो पता है। नेट थोड़ा जल्दी, यहां से उस साइड जाना है। नीचे नीचे नीचे, झूल के विक्टर के पास। पहले ही से सब कुछ सड़ा हुआ था, ऊपर से आग लगा दी तो और हालत खराब हो गई यहां पे। इस डोर को बंद करके रखा हुआ था, निकलेंगे कैसे यहां से? ओ भाई ये ब्रूट, ये जो स्टार्टिंग में आया था ये भाई ये है। तेरे को हाथ से लड़ना है ना, मैं गन यूज नहीं करूंगा। आ जा, हाथ से लड़ना है तो हाथी से लड़ेंगे, इसको ऐसे कुछ होता नहीं है जल्दी। दो बार गलत जगह पे मार चुका है नेट भाई, तेरे को कुछ होता नहीं है क्या?
लास्ट टाइम तो टॉयलेट की सीट से मार दिया था, तीन बार मारा भाई, अब जाके गिरा है ये। ब्रूट पीटर ट्रॉफी मिली है। विक्टर यहां से निकलते, गोलियां चली ही जा रही हैं। क्या लॉयल आदमी है भाई ये लोग, मतलब जान भी जाएगी तब भी खड़े होके काम करते रहेंगे टैलबर्ट के लिए। इनको भी नजर आ रहा है ना कि आग लगी हुई, आदमी लोग की मैं बात कर रहा हूं। मनुसो मरो, डोर के जस्ट करीब है, अपन नीचे जाना है, मेन डोर नीचे ही है और वहां आदमी लोग भी है, मैंने देख लिया है। ग्रेनेड लो, बंद करके भाग गए भाई वो लोग। थक तेरी, अब क्या किया जाए, ये आग में आराम से चलते हुए आ रहा था। चलो ठीक है, यहां से जाया जा सकता है, अब पता नहीं क्या करना है। विक्टर चलो, और आदमी लोग आने वाले हैं। डोर दिख रहा था पूरा, प्लेटफॉर्म टूट गया है नीचे। ओ भाई डेंजरस सीन है, नहीं एक गलती और आग की चपेट में। भागो यहां से, अब ये जगह ही मनहूस थी। ओ फंस गया पैर, ये आदमी लोग भी आ गए। अरे गलत टाइम पे आते हो तुम लोग मनहूस लोग, मर जा, भागा जाए यहां से। अब ये ऊपर ही से जाके जंप करना होगा क्योंकि मेन डोर तो बंद कर ही दिया है, ये भी टूट रहा है। सलीम मदद करने के लिए तैयार हो क्योंकि ये पूरा प्लेटफॉर्म गिरने वाला है। ऊपर से भी सामान गिर रहा, वो भी आग लगा हुआ सामान। भागो यहां से जल्दी, टूटा टूटा टूटा, आगे कैसे जाओ, पूरा टूटने वाला है। विक्टर, विक्टर भी गिरे, विक्टर की मदद करनी होगी जाके। लो भाई अब दोनों गिरे, विक्टर जल्दी चलो, रुकना मत। बाहर जाने का रास्ता तो दिख रहा है, धूप आ रही है बाहर से, और ट्रैप में फंसते जा रहे हैं अंदर जा जाकर। अरे तुम लोग बाहर क्यों नहीं गए यार, क्या आदमी लोग हैं ये लोग, कुछ ज्यादा ही लॉयल है। आग लगी हुई पूरी, कभी भी महल गिर सकता है, बेकार आदमी है भाई ये लोग। इतनी भी लॉयल्टी अच्छी नहीं है कि मर जाओ। विक्टर एक, ओ कोई सामने से मार रहा है, मुझे लगा एक और है। इधर झांकना थोड़ा सा, मर गया ना। हाँ विक्टर, और कोई बचा है क्या, कोई बचा होगा ना, पर ओ कोई तो बचा है, गोली चला रहा है पीछे ही है आई थिंक। हाँ से छुपा ये रहा, देख लो भाई की आग लगी हुई, भागो तुम लोग भी। इन सबको मारता नहीं ना तो आगे जाने का रास्ता बनता नहीं। विक्टर आ जाओ, निकला जा, लैडर दिख गया, बाहर निकल ही गए थे लेकिन टूट गया है। ठीक है ऐसा लग रहा है कि कभी भी आग में गिर सकते हैं। ठीक है लगता है अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा। ओ बाकी, अभी बाकी है, पूरा टावर गिर रहा है। ओ भाई, अरे जल्दी कूदो, एक गलती करूंगा नीचे चला जाऊंगा भाई। बचा क्या, बच गया बच गया, बाहर निकल गया हूं भाई। खतरनाक था ये वाला सीन आज का, ओपी सीन। बच गए दोनों, लेकिन क्लू टैलबर्ट के पास है,
कितने सालों से ये महल बना होगा, पूरा तहस नहस कर दिया। नेट के आने के कुछ देर के बाद ही तहस नहस हो चुका है महल। नेट ओपी, that was close, huh? You all right? Oh yeah. Just swell. Here. Just give me a sec. You always seem to forget. I got 25 years on you. Come on, Sully, you're strong as an ox. Anyway, what's the hurry? They think we're in that. Talbot ko lage ki ye dono mar gaye. We almost were. मरते मरते बचे हैं भाई। I gotta say, I'm losing the plot here. Remind me again why we're doing this. No. If you're gearing up for one of your I'm too old for this speeches, spare me. Nate, these guys are playing for keeps. Yeah, so? What, you're just gonna roll over for them now? Nobody's talking about rolling over. Then quit acting like you're ready to lay down and die, all right? Listen, kid. I've had your back for 20 years. I'm not going anywhere, obviously. I just want to make sure we're doing this for the right reasons. You got your pride all tangled up in this thing. It's making you reckless. I taught you better than that. Gonna get yourself killed. Oh, damn. Hell. Probably get us all killed. Victor बोल रहे हैं कि नेट की वजह से सब मर सकते हैं. Oh, no. What? Cutter and Chloe. Sully, if we were followed... Oh, shit. Chances are they were, too. We gotta warn them. Yeah, and get to Syria fast. Sure hope you remember where we left the car, because I am completely turned around. जब इन दोनों को फॉलो किया गया है, तो कटर और क्लोई के भी पीछे लोग सीरिया गए होंगे उनसे क्लू छीनने के लिए। तो अब टैलबर्ट के आदमी पहुंचे, इससे पहले नेट और विक्टर को पहुंचना होगा। सीरिया पहुंच भी गए अगली रात, नेट और विक्टर। Damn it. Still can't reach either one of them. Something is definitely not right. क्लोई और कटर का फोन नहीं लग रहा है। How long till this place opens? We got a few more hours before the tour buses start showing up. Then we better hustle. चेन टूटा हुआ है। Chain's been cut. Okay, so we know we're not the first ones here. Yeah, as long as Marlowe and Talbot think we're dead, we got the element of surprise. It's not wasted. Right. So we sneak in. We find out where they're holding Chloe and Cutter. If they're holding them. Glass half full, Sully. I'm just saying, these guys don't seem like the hostage-taking type. Let's just go with best-case scenario for now, okay? We rescue Cutter and Chloe, and the four of us just sneak back out. Yeah, right. Sneak back out. It could happen. तो क्लोई और कटर को टैलबर्ट और मार्लव के आदमी से बचाना होगा। तो ये सब अपन करेंगे भाई नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि आज के एपिसोड यहीं पे खत्म किया जाए। तो कमेंट करके बताना कि आज के एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, और जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर लेना, नए तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह जल्दी जल्दी एपिसोड आते रहेंगे तो भर भर के लाइक करना भाई। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।